Hello friends, my name is Dr. Subandhu Gupta. I am a pediatrician at Sri Tirath Ram Hospital, Gurgaon and Cloud 9 Hospital, Gurgaon. Aaj I want to share with you some tips on essential newborn care. Navjat Shishu ki dekhbhal evam suraksha ke bare mein kuch tips discuss karna chahte hain hum aapse. Agar kada parents jab kada unke jeevan mein ek newborn aata hai to bahut sare sawal hote hain. Sabse pehla ek sawal ye hota hai ki bacche ko kada jo hai kab se nehlana dhulana aur kab se kada jo hai tel malish shuru karni chahiye. Newborn ko kada jo hai hum log sabko yahi batate hain ki kam se kam 15 din tak bacche ko ना नहलाना चाहिए ना मालिश करनी चाहिए. इसका मुख्य कारण ये होता है कि न्यूबॉर्न में इन्फेक्शन और हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत रहते हैं. इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चे को नहलाना और मालिश करना 15 दिन तक अवॉइड करते हैं. फिर कदर जो है उसके बाद मालिश अगर करनी है तो कौन से तेल से करनी है, ये अगला सवाल होता है. आमतौर पर बहुत सारे तेल कदर जो है उपलब्ध हैं, पर अगर जो है कई बार देखा गया है कि तेल से बच्चों को एलर्जी हो जाती है स्किन में, जो कि कहते जो है बहुत लंबे समय तक चलती है और कभी कभी इन्फेक्शन का रूप ले लेती है. बाज़ार में नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो अवेलेबल है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों में सेफ होता है. जैतून का तेल या फिर ऑलिव ऑयल भी कहते जो है सेफ रहता है. तो दोनों में से कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि टेम्परेचर के हिसाब से मालिश का यूज़ करना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस मौसम में मालिश को कम से कम करने के तेल का इस्तेमाल कम से कम करें. मालिश कदर जो है हल्के हाथ से करें, पूरे शरीर में करें और नहलाने से पहले करें. कई बार देखा गया है कि नवजात शिशु पैदा होने के बाद बहुत सारे लाल नीले चकत्ते कदर जो शरीर में होते हैं. ये इन चकत्तों के इन दाग इन धब्बों के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि उनको बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, बच्चे को कोई एलर्जी हो गई है. जो छोटे छोटे नवजात शिशु के दाग और निशान होते हैं लाल रंग के, ये जो है अपने आप हफ्ते भर के अंदर समाप्त हो जाते हैं. इनको हम लोग न्यूनेटल टॉक्सिकम बोलते हैं. ये कहते बिल्कुल सामान्य होते हैं, इनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती. नीले नीले धब्बे जो बच्चे के शरीर में होते हैं वो मंगोलियन स्पॉट्स होते हैं. वो कभी किसी किसी बच्चे में काफ़ी समय तक रह सकते हैं, पर इनमें भी कहते जो है कोई भी परेशानी नहीं होती बच्चे को, और इसलिए घबराने की कोई बात नहीं होती. बच्चे को दूध कहते कौन सा पिलाएं, कब से शुरू करें, ये एक अगला सवाल हर कहते माँ बाप के ध्यान में आता है. हर कदर सरकार जो दुनिया भर की और इवन WHO यही कहता है कि हर बच्चे को माँ का दूध सर्वप्रथम मिलना चाहिए पैदा होने के बाद. WHO ने और कई सरकारों ने यही बताया है कि माँ का दूध सर्वप्रथम सर्वप्रिय होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है और सबसे पहले देना चाहिए. हम कई बार कहते जो है माँ को कहते जो है एनजाइटी की वजह से या कहते जो है ऑपरेशन की वजह से कहते ऐसा महसूस होता है कि वो बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पा रही. उसका मेन कारण ये होता है कि बच्चा कहते जो है दूध पिलाने के बाद भी रोता रहता है. तो कहते इसमें ये बात देखने वाली होती है कि बच्चे का रोना एक कहते कम्युनिकेशन का फॉर्म है. उसको कहते वो बच्चा गीला होगा, बच्चे को गर्मी लग रही होगी, बच्चे को ठंड लग रही होगी, बच्चे को कोई भी तकलीफ होगी, उसको बच्चे को सिर्फ माँ की गोद चाहिए होगी तभी वो रोएगा. क्योंकि रोना एक कम्युनिकेशन है, ना कि एक कहते हंगर का सिग्नल है. तो हर समय बच्चा अगर रोता है तो भूखा होना ज़रूरी नहीं है. माँ का दूध जो है 6 महीने तक बच्चे को देना चाहिए. और कहते जो है कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर की कोई भी चीज़ जैसे घुट्टी पानी शहद बच्चे को ना दिया जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कहके हानिकारक इफ़ेक्ट होते हैं. माँ के दूध के अलावा कहते जो है कौन से जानवर का दूध कहते अच्छा होता है, कोई भी नहीं. जानवर का दूध अब तो कहते जो है कुछ केसेस में कहा जाता है कि 1 साल तक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहते जो है कई केसेस में देखा गया है कि कहते जो है काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी और बहुत सारी कहते जो है एलर्जीज और कहते हैं इन्फेक्शन इन सब दूधों से होता है. क्योंकि माँ के दूध से ये सारे दूध कहते काफ़ी हैवी होते हैं और उनका प्रोटीन बिल्कुल अलग होता है, जो कि बच्चे को आँतों में पचाने में दिक्कत होती है. बच्चे को जो है टीके कौन कौन से लगाने चाहिए और कब से लगाने चाहिए. जन्म के टीके जो है जो हम लगाते हैं वो पैदाइश के 1 घंटे के अंदर लगा लेने चाहिए. उसके बाद जो बच्चे के टीके होते हैं वो 1.5 महीने 2.5 महीने और 3.5 महीने के होते हैं. ये सारे टीके एसेंशियल हैं और ज़रूरी हैं और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, और बच्चे को कदर जो है इन चीज़ों से वंचित नहीं करना चाहिए.
टीकों के अलावा बच्चे को कदर जो है खांसी जुखाम और ये लैट्रीन की परेशानी कदर जो है कई बार कदर समस्या लेके पेरेंट्स आते हैं। खांसी जुखाम कदर नवजात शिशु में कदर जो है तभी होता है जब कोई इन्फेक्टेड एडल्ट बच्चे को पास कतले उसके बच्चे के पास आता है और इन्फेक्शन बच्चे को देता है। न्यूबॉर्न के स्नीजिंग या छींकना सामान्य होता है, उसके लिए कदर जो है डॉक्टर के पास आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चा अगर कदर जो है दूध पीने में दिक्कत कर रहा है, बच्चे को कदर जो है पसली तेज चल रही है, साथ में बुखार आ रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जो नवजात शिशु को लेके कदर नए माँ बापों को और कदर इवन कई कदर जो है पढ़े लिखे माँ बापों को काफ़ी कदर परेशान करते हैं। आई होप आई हैव ट्राइड टू सॉल्व फ्यू ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू।